Hello, I am Brijesh Mishra, PGD Biology, and welcome on my channel Biology with Brijesh Mishra. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है 11th क्लास की, तो उसके लिए आपके लिए वेलकम. ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज शुरू करने से पहले क्लास हमारी, ये जो फर्स्ट क्लास होगी 11th क्लास की बायो की, तो दो बच्चों का नाम लेना चाहता हूँ उसके लिए मैं. एक है कमल सिंह और एक धर्मेंद्र मिश्रा. इनका मेरे पास मैसेज आया कि हाँ सर हम बायो ले रहे हैं, और इसमें से एक लड़के का तो मुझे लगता है कि आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए. धर्मेंद्र निषाद का मैसेज आता है कि सर मैं PCM लेना चाह रहा था, लेकिन आपने 10th क्लास में इतना सही पढ़ाया, इतना अच्छा पढ़ाया मतलब, कि अब मैं PCB लेने की सोच रहा हूँ. तो उसके लिए थैंक यू बेटा कि आप इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं हमें. ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं, और इसी के साथ में थोड़ा हम लोगों का इंट्रोडक्शन भी हो गया. अब हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे 11th क्लास का जो बच्चों पहला चैप्टर है द लिविंग बॉडी. एक चीज़ और याद आ गई मेरे को बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि मतलब हर जगह मतलब टीचर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, सैलरी भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो किसी किसी बच्चे का जो एक स्पेशल नोट होता है ना उनके लिए, तो ये जो रिवॉर्ड होता है ये मतलब सबसे बड़ा मानता हूँ मैं. कि अब ये मुझे नहीं पता है कि वो बच्चा मेरे से मजाक कर रहा था या जो भी था, लेकिन मैं उसे सीरियस ले रहा हूँ, और सीरियस लेने के नाते मैं बहुत ही ज़्यादा इस बात से उससे प्रभावित हुआ और खुश हुआ बच्चे. लेकिन मैं आपसे ये और कहना चाहता हूँ कि एक बार ये मैंने 10th क्लास में बोला था आप लोगों से कि आप कोई भी सब्जेक्ट अगर चूज कर रहे हैं तो आप पहले खुद से पूछें कि आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि आप अगर दूसरे के इन्फ्लुएंस में अगर कोई सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं तो जो आगे की लाइफ है पूरी की पूरी आपकी 11th और 12th पे डिसाइड हो जाती है. फिर या तो फिर आप दोबारा 12th करें या फिर वो, तो इसमें बहुत सारे ड्रामा होते हैं. इससे बचने के लिए आप सबसे पहले खुद से और अपने गार्जियन से पूछें. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप अगर बायो ले रहे हैं ले लीजिए, लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होता, क्योंकि जब आदमी को इंटरेस्ट होता है तो कितनी भी कठिन से कठिन बच्चों को मैंने अधिकतर देखा हुआ है कि क्या होता है कि जैसे कि मैथ उनको टफ लगती है तो वो बायो चूज कर लेते हैं, उन्हें और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो बायो चूज कर लेते हैं. लेकिन बच्चों ये तो बात सोचिए आप, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन ही है, और फिजिक्स केमिस्ट्री को आप इतना आसान मत समझिए, और वो भी आसान नहीं है तो बायो भी आसान नहीं है. बायो इसलिए आसान नहीं है क्योंकि आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँगा, मैं पहले ही बोलता रहा हूँ कि उस टाइम आपको ईजी लगेगा, या फिर आप कहीं किसी से और से पढ़ेंगे तो भी ईजी लगेगा, लेकिन जब एक साथ जब पूरा का पूरा जब सिलेबस आता है तो उस टाइम पर वो सब्जेक्ट बड़ा भारी पड़ता है. और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है बायो में, समझ में आ जाता है लेकिन उसको रिटेन रखना सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है. रिटेन रखने वाला ही इसमें शूरवीर होता है. जो इसको रख लिया जाएगा उसके लिए सब्जेक्ट चुटकियों का गेम हो जाता है, और जो इसको रिटेन नहीं रख पाएगा, और रिटेन कैसे होगा, बार बार रिवीजन से. और रिवीजन की अगर हम बात करें तो क्या मैथ में हम प्रैक्टिस नहीं करते, वो भी तो रिवीजन ही है एक. फिजिक्स क्या आप बिना उसमें फॉर्मूले देखे या वो कोई चीज़ किए क्या आप उसे याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. और दूसरी वो भी प्रैक्टिस की चीज़ है. तो और केमिस्ट्री में भी यही है, बार बार आप प्रैक्टिस करो इक्वेशन की उनकी, उसके बाद ही वो चीज़ें हो पाती हैं. तो बायो के केस में आप ये चीज़ ध्यान से रखें कि अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो ही आप इस फील्ड में आए. और आपने अभी देख लिया ना, दुनिया भर में इंजीनियर भरे पड़े हैं, दुनिया भर में CA ये वो सब चीज़ है, लेकिन जो अभी आपने देखी महामारी, उसमें अगर कोई बायो से रिलेटेड पर्सन नहीं होंगे तो आप सोच रहे हैं क्या हाल होगा फिर. वैक्सीन कौन बनाएगा, इंजीनियर बनाएंगे? अभी जो पेशेंट है उनका इलाज कौन करेंगे, कॉमर्स वाले CA करेंगे? मैं किसी सब्जेक्ट पर छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं एक बात बोल रहा हूँ इंपोर्टेंस की, कि कोई सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए हमारा बायो भी छोटा बड़ा नहीं है. इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो इंडिया में करीब 10,000 लोगों पे खाली एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर की तो भारी कमी है. इसीलिए बायो फील्ड में आपको ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट के साथ आएँ, और इतना आसान नहीं है आगे करना. मैं डरा रहा हूँ ना कुछ, मैं बस खाली एक रियलिटी से आपको
बस अवगत कराना चाह रहा हूँ, आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ कि जब अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं कि जो इसका चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, मतलब जिंदा लोगों का मतलब संसार, सजीवों का संसार, तो इसमें आपको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करना होता है बेटा। और अभी आप देख रहे होंगे कोरोना महामारी में इंजीनियर घर पे बैठ सकते हैं लेकिन डॉक्टर घर पे नहीं बैठ सकते, वो ये मना नहीं कर सकते हैं कि हम नहीं आ रहे, हम काम पर नहीं आएंगे। अगर वो काम पर नहीं आएंगे तो आप ही सोचो कि आपकी और हमारी और सबकी, और खाली इंडिया की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की जान कौन बचाएगा। इसीलिए बायो का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इतना बस का इंट्रोडक्शन काफ़ी है अभी के लिए, और फिर शुरू करते हैं इससे चैप्टर से, अपने चैप्टर पर आते हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर बेटा द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर फर्स्ट में जो लिविंग वर्ल्ड है इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? वर्ल्ड से मतलब आप जानते ही हैं संसार के बारे में है, और लिविंग सजीव जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है? कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए मार्कर है, कैसे पता चलेगा कि लिविंग है? मैं हूँ लिविंग हूँ नॉन लिविंग हूँ कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? तो इसके बारे में कुछ मैंने मेन मेन पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि आपको इनसे रिलेट कर करके मैं डेली लाइफ की चीज़ों से बता सकूँ। ठीक है, और क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप थोड़ा सा बस ध्यान करके करें। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इसमें जो व्हाट इज लिविंग वाला जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले टॉपिक आया हुआ आता है सब टॉपिक जो ब्लैक कलर से है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। भैया सही बात है, जितने भी सजीव हैं, जितने भी जिंदा लोग हैं या जो भी जो जीव हैं वो ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, एनिमल्स भी ग्रो करते हैं। प्लांट्स के केस में ऐसा होता है कि प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो अपनी पूरी ओवरऑल लाइफ करते रहते हैं। जैसे आपको मेरिस्टमैटिक टिश्यू पता होगा, सूट में या रूट में एपेक्स पर होता है, वो ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है, एक जो सैचुरेशन लिमिट होती है वहां पर जाने के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अब आप गैमेट सेल की मत बोलना, गैमेट सेल में इनमें सेल डिवीजन होते रहते हैं, उनके नंबर बढ़ते रहते हैं और फिर वो ग्रो होते रहते हैं। लेकिन यही अगर आप उल्टे केस में आओ, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हो, ये तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए ना, प्लांट्स और एनिमल्स ये तो मल्टीसेलुलर हो गए। अगर आप यूनिसेलुलर केस में आते हैं तो उसमें आप ग्रो को बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल डिवीजन के बाद नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, लेकिन उसमें तो देखने को नहीं मिलता है। आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे उसमें। सेल डिवीजन जो होता है बाइनरी फिजन के थ्रू या जैसे भी, या माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, तो अलग हो गए, आप बता दो हो गया ना। लेकिन हम तो जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, सपोज दैट ये खाली एक सेल है जिसका नाम आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, क्या बेटा ये गैमेट भी हो सकता है, जायगोट भी हो सकता है। मान लो यूनिसेल में जायगोट है, तो यही डेवलप होते होते इसमें इसमें इतने सारे मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल डिवीजन होते 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 फिर ये लास्ट में फिर क्या बन जाता है, एक फाइनल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर की कहानी बन जाती है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि खाली ये दो बीच में बढ़ता है और फिर से ये दो सेल बना लेते हैं, बस बात खत्म। तो इसमें आप ये कैटेगराइज नहीं कर पाते हो कि ये वाला कौन सा था वो वाला कौन सा था, ये समझ में आ गया। तो प्लांट्स के केस में समझ में आ गया, एनिमल के केस में समझ में आ गया। फिर दूसरी एक चीज़ आती है कि जो आपके माउंटेन्स हैं या जो आपने सैंड ड्यून्स देखे होंगे, आप रेगिस्तान गए होंगे, नहीं गए होंगे तो फिल्मों में देखा होगा आपने, जो बालू के ऐसे पहाड़ से बन जाते हैं, ये हमारा काम हो गया, इसका वेलकम हो चुका है, इसका हम यूज तो करना ही होगा बोर्ड का। जैसे कि मान लीजिए अभी इतना सा सैंड ड्यून्स है, मतलब इतना ये बालू का ढेर है, थोड़ी देर बाद ये इतना बड़ा हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता, फिर थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, या फिर मिट्टी का ढेर ही सही, मिट्टी का ढेर है, हमारी मिट्टी आप लगाते जाओ या लग जाए खुद से भी लग सकता है, इतना बड़ा हो जाए साइज में, तो ये भी बढ़ रहा है। साइज में बढ़ना क्या ग्रोथ, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान है? इस केस में तो नहीं है। हम ये बोल रहे थे कि प्लांट्स की अभी बॉडी उनकी ग्रो करती है, एनिमल्स की भी बॉडी ग्रो करती है। ठीक है, एनिमल और प्लांट की बॉडी ग्रो करती है, तो क्या माउंटेन है, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, या फिर छोटे छोटे पत्थर मिलकर एक बड़ा पत्थर नहीं बना लेते हैं? बना लेते तो क्या वो जो है वो क्या लिविंग है? आप खुद सोचिए। तो इस हिसाब से अगर एकदम आप स्टिक होके कि नहीं, जो ग्रोथ वाला वर्ड है वो डायरेक्ट आप कहीं भी अप्लाई कर देंगे, तो इस ये क्या पहचान है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? नहीं, ये पहचान नहीं है, क्योंकि जो माउंटेन है, हमारे जो पहाड़ ही है, पहले छोटा पहाड़ था, फिर इसमें और जो चीज़ें हैं डिपॉजिट होते 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 होते
सेंट वगैरह और जो इसमें जो चेंजेस होते रहते हैं माउंटेन्स में, ये और बड़े होते हैं। तो ग्रोथ ये भी कर रहा है लेकिन ये लिविंग नहीं है, इसीलिए जो ग्रो होने का जो वर्ड है ग्रोथ, उसको आप लिविंग से और नॉन लिविंग में कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका बेसिक फीचर नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे पे आते हैं, रिप्रोडक्शन के केस में ये बोला जाता है कि ग्रोथ और ही रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी पहचान होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, रिप्रोडक्शन आप जानते हो कि 10th क्लास पढ़ के आए हो सकता है कि अभी एक दो महीने में आपका थोड़ा दिमाग हिल गया हो हिलने का मतलब लॉकडाउन में सबका दिमाग हिल गया है, बोर हो गए सभी बच्चे। तो रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये वही सेम चीज कि जैसे ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो यहाँ पर ये डिसाइड हो चुका है कि ये ग्रोथ वर्ड जो है ये डिसाइड नहीं करता कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, क्लियर हो गया, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इस बात को ये कितना सही है और कितना गलत है, हम इसको जस्टिफाई करेंगे धीरे धीरे, कुछ वर्ड्स को पिकअप करेंगे उसके बाद। कि जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने सुना होगा ना, ए सेक्सुअल सुना होगा, सेक्सुअल में क्या होता है, थोड़ा सा रिवीजन क्लास है थोड़ा समझ लीजिए इसको आप, टेंशन मत लो। सेक्सुअल में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, उनमें गैमेट बनते हैं, गैमेट के बाद क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है, फिर उनके बाद उसमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब वही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एसेक्सुअल के केस में क्या होता है, इसमें हमें डबल ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसमें जो एक बॉडी है ऑर्गेनिज्म की उसी से ढेरों ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो भी एक तरह का तरीका है रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करने का, अपने प्रोजेनी के नंबर्स को बढ़ाने का। आपके जो फंगाई है, आपने फाइव किंगडम पढ़े होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो जो फंगाई है, फंगाई में भी फंगाई जैसे आपने ईस्ट का नाम सुना होगा, तो उसमें बडिंग वगैरह जो होते हैं ना, बडिंग के थ्रू भी वो कर लेते हैं, तो बडिंग भी आपने सुना होगा। बडिंग में क्या होता है कि एक आउटर ग्रोथ निकलती है सेल से, फिर वो उससे जुड़ी रह सकती है या फिर अलग हो सकती है, अगर वो जुड़ी रहती है तो उसमें एक चैन टाइप का बन जाएगा जैसे ईस्ट में आपको देखने को मिलता है, या फिर वो अलग हो सकता है। ठीक है, अब आता है प्लेन एरिया, प्लेन एरिया एक एनिमल के अंदर में आता है, इसमें रीजनरेशन मेथड होता है कि अगर आप इसे कट कर देते हैं या कहीं से भी डैमेज हो जाता है, तो जहां से डैमेज हुआ है ये उसको फिर से रीग्रो कर लेता है, यानी उसको फिर से रीजनरेट कर लेगा। कहीं से अगर कोई पार्ट अगर उसका डैमेज हो गया, खराब हो गया, सॉरी, तो उसे फिर से रीग्रो कर लेगा। क्लियर हो गया, अब आता है ईस्ट और हाइड्रा, इनमें बड़ी हमारा केस है जो मैंने बताई थी, हाइड्रा भी आपको पता ही चल गया होगा, हाइड्रा का डायग्राम 10th में आपने बनाया था, इनमें बडिंग प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को अंजाम देते हैं, जो कि किसका टाइप है, एसेक्सुअल का टाइप है। फिर आता है एल्गी, एल्गी में जैसे क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी है, या फिर जो लोअर एल्गी होती है, तो उनमें क्या होगा कि जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जैसे स्पाइरो वगैरह हो गया आपका, स्पाइरो वगैरह आपको ध्यान आ गया होगा, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, उनके पीस जो बॉडी है ना, वो मैच्योर होने के बाद कई पीसेस में बट जाती है, एक तो एक्सीडेंटल केस है, रीजनरेशन वाला, इसमें क्या होता है वो मैच्योर होने के बाद अपने आप टूट जाता है, और जब टूट जाने के बाद उसका हर एक पार्ट अपना एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। ये भी किसका टाइप है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। फिर आता है म्यूज स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स नॉट एबल टू रिप्रोडक्शन। अब आती है हमारे काम की बात, अब हमें यहाँ पर करना है कॉन्ट्रडिक्शन, अब हमें यहाँ पर मतलब करना है विवाद का, कि जैसे कि जो म्यूल्स होते हैं, खच्चर, स्टराइल वर्कर बीज, जैसे आपने बीज मधुमक्खी सुना होगा कि इसमें तीन तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सोशल एनिमल है, ये इनमें एक क्वीन होती है, ड्रोन्स होते हैं मेल, और होते हैं वर्कर बीज, वर्कर फीमेल होती हैं, ये स्टराइल होती हैं। जो क्वीन होती है और जो वर्कर बीज होती हैं, ये फर्टिलाइज्ड एग से बने होते हैं, और जो ड्रोन होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से बने होते हैं। क्लियर होगी बात, और दूसरा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल का मतलब आप समझ ही रहे हो कि हु कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी। ठीक है, इनफर्टाइल जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते, नॉट एबल टू रिप्रोडक्शन। अभी आप ये बताओ, अब यहाँ पर आप मुद्दे भूल जाएंगे, हमने ये बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो क्या ये जो म्यूल से लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, नॉन लिविंग है? सोच के बताओ, म्यूल जो नॉन लिविंग है क्या? आपके जो वर्कर बीज हैं, ठीक है,
जो कि इष्टदायी हैं, जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते, हनी बीज नहीं बना सकते नए, तो क्या ये नॉन लिविंग है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये भी प्रूफ होता है कि रिप्रोडक्शन को और आप इसको ग्रोथ को आप स्ट्रिक्टली ये नहीं कह सकते ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे के जो भी टॉपिक्स आएंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना, टाटा।